नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, राजधानी भोपाल स्थित मिंटो हॉल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य आग्रह मेरी सुरक्षा मेरा मास्क का आयोजन किया, जिससे वह जनता से जुड़ सके। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री सरकारी फाइलों पर साइन करते हुए भी नजर आए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई तरह के अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल स्थित मिंटो हॉल में मेरी सुरक्षा मेरा मास्क स्वास्थ्य आग्रह के कार्यक्रमों में उन्होंने बताया कि अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो वह अपराध करता है। इससे केवल वह उसका स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता है बल्कि उससे जुड़े लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। स्वास्थ्य आग्रह के माध्यम से उन्होंने सभी से मास्क लगाने की अपील की। इस संवाद के बीच अपनी व्यस्तता को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकारी फाइलों पर साइन करते हुए भी नजर आए। वहीं दूसरी ओर सीएम के स्वास्थ्य आग्रह कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेसी विधायक लक्ष्मण सिंह ने वैक्सीन और पानी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इससे यह बात साफ हो जाती है कि सीएम की व्यस्तता के चलते जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपने कार्य क्षेत्र के विकास को लेकर सीएम के कार्यक्रमों में पहुँच कर ज्ञापन सौंप रहे हैं। मैं कोरोना वॉलंटियर और इसका अर्थ यह है कि लोग अपने आप को समर्पित करें, रजिस्टर करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 181 पे वो कॉल कर सकते हैं, पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके माध्यम से जो स्वयंसेवक हमें मिलेंगे, कोरोना वॉलंटियर हमको मिलेंगे, उनके लिए कुछ काम हमने तय किए हैं। जो काम उनको सौंपे जाएंगे सरकारी व्यवस्था के अतिरिक्त, वो कार्यकर्ता होंगे जो इस काम को संपन्न करेंगे। एक तो है इसमें वैक्सीनेशन स्वयंसेवक, ये वैक्सीनेशन स्वयंसेवक वैक्सीनेशन सेंटर पर वॉलंटियर होंगे, वैक्सीनेशन प्रेरक होंगे, वैक्सीनेशन हेल्पर होंगे। दूसरे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं चिकित्सा सुविधा स्वयंसेवक के रूप में, ये चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी देंगे, चिकित्सा हेतु परिवहन में सहयोग करेंगे। तीसरे है मास्क जागरूकता स्वयं सेवक, ये मास्क वितरण के काम में लगेंगे, मास्क लगाने के लिए टोकेंगे, रोकेंगे और प्रेरित करेंगे। बिना मास्क लगाए घूमने वालों को आग्रह करेंगे कि वो मास्क लगाएं। और चौथा होगा मोहल्ला टोली संगठन स्वयं सेवक, ये होम क्वारंटाइन में मददगार होंगे, संस्थागत क्वारंटाइन में मदद करेंगे। अपने मोहल्ले, अपनी गली, अपनी कॉलोनी की जवाबदारी ये स्वीकार करेंगे अपनी रुचि के अनुसार। कोई भी भाई बहन, बेटा बेटी सीएम हेल्पलाइन पर कॉल करके 181 या माई गव पोर्टल या माई आईटी पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। उनको इस काम में, कोरोना संक्रमण के रोकने के काम में और सेवा के काम में हम जोड़ने का अभियान चला रहे हैं, उनको जोड़ेंगे। मैं एक बार फिर सभी बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि जब मानवता पर संकट होता है तब चाहे बिना किसी मतभेद के संपूर्ण मानवता एक होती है। इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। मैं सभी बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि कोरोना संक्रमण को रोकने के इस प्रयास में आप सब सहभागी बने ताकि मिलके हम इस संक्रमण की गति रोक पाएं, बेहतर इलाज और चिकित्सा की सुविधाएं सरकार और प्रशासन आवश्यक रूप से करेगी। इसी आग्रह के साथ ये स्वास्थ्य आग्रह का कार्यक्रम यहाँ पे हम प्रारंभ कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत पवित्र और ऐतिहासिक दिन है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च नमक विरोधी कानून को तोड़ा था और दांडी यात्रा की थी। आज उस यात्रा का समापन हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस है। गांधी जी ने सत्याग्रह किया और सत्याग्रह के माध्यम से देश को स्वतंत्र और आजाद करा दिया।
हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ आग्रह किया और देश को स्वच्छ बना दिया। मैं आज स्वास्थ्य आग्रह पर बैठ रहा हूं। पहला सुख निरोगी काया शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका संक्रमण पूरी दुनिया और पूरे देश में फैला हुआ है, हमारे देश में भी और हमारे प्रदेश में भी। यह तेजी से बढ़ रहा है। यह बीमारी ऐसी है कि केवल सरकारी प्रयासों से इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संक्रमण फैलता है समाज के आपस के व्यवहार से भी। प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी से निपटने का एक मंत्र दिया है, टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रीटमेंट टीकाकरण, और एक प्रमुख बात कही है कोरोना संक्रमण को रोकने का व्यवहार चाहिए। अब बाकी काम सरकार करेगी, टेस्टिंग ट्रेसिंग टीकाकरण ट्रीटमेंट, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। बढ़ते संक्रमण के कारण चिंता भी है और दिक्कतें भी है, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है तो अस्पतालों में पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। बिस्तर बढ़ाना, बाकी व्यवस्थाएं बनाना, वो सरकार का काम, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जहां तक संक्रमण रोकना है उसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा, और इसलिए समाज से नैतिक आग्रह करने के लिए, क्योंकि आज भी जब मैं प्रदेश में समीक्षा करता हूं तो कई जिलों में मास्क लगाने की संख्या बहुत कम है। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक बार कोरोना पर नियंत्रण हो गया, फिर वैक्सीन भी आ गई, पैसा लगा, लोग निश्चिंत हो गए, अब इलाज भी हो जाएगा, अब तो वैक्सीन भी आ गई, और फिर कार्यक्रमों में भी संख्या, उत्सव, मेले, शादी विवाह, पार्टियां सब इतनी तेजी से हुई कि संक्रमण एक बार फिर से फैल गया। अब उसको रोकने का एक उपाय है लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, लोगों के रोजगार छीन लेगा। लॉकडाउन सबसे सस्ता तरीका, आसान तरीका है कि बंद कर दो सबको, लेकिन मैं उस तरीके को सही नहीं मानता। सीमित लॉकडाउन ठीक है, संडे लॉकडाउन कर लिया, बाकी 6 दिन काम चल गया, कहीं भयानक परिस्थिति आई तो और 2 दिन का कर दिया, 3 दिन का कर दिया, लेकिन परमानेंट लॉकडाउन समाधान नहीं है। अब इसको संक्रमण को रोकने का दूसरा तरीका है कि हम आत्म अनुशासन अपनाए, मतलब हम मास्क लगाएं, हम सुरक्षित दूरी बनाएं, हम हाथ बार बार साफ करें, हम वैक्सीनेशन करवाएं, और इसके लिए समाज का सहयोग चाहिए। प्रदेश में बढ़ती कोरोना की रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य आग्रह 24 घंटे के लिए राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के पास बैठे हुए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य आग्रह का यहां पर
वो लगाया है, आग्रह किया है मध्य प्रदेश की जनता से कि वे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए मास्क लगाएं और घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यहाँ पर 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं और यहीं पर इसके जस्ट पीछे समीक्षा बैठक चल रही है स्वास्थ्य को लेकर, और सारे जो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना का लेकर, वो उसका ख्याल रखते हुए स्वास्थ्य आग्रह का आग्रह किया है जनता से उन्होंने राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में, और ये 24 घंटे के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं शिवराज जी। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती भोपाल। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।